आप देख रहे हैं शापित कथाएं दीपक के साथ। दोस्तों स्वागत है आपका आखिरी पिकनिक के दूसरे भाग में। ये अंतिम भाग है, इसी भाग में पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तब तक मैं चालू करता हूँ ये कहानी वहीं से जहाँ वो ख़त्म हुई थी। विवेक अपना कटा हुआ सर देखकर रोने लगता है और बोलता है, क्या है ये क्या हो रहा है हमारे साथ? जवान तो हमारे हलक से भी नहीं निकल रही थी, लेकिन हमने कहा, विवेक कोई हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा कर रहा है ऐसा लगता है, पर हमें इसके झांसे में नहीं आना है। अब हमने बिना समय गवाए हुए वहाँ से किसी भी हालत में बस भागना ही सही समझा, लेकिन कहाँ जाए, क्योंकि हम लगभग 4 घंटे से जंगल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरफ से बाहर निकल पाएंगे। इतनी देर में जो सब हमारे साथ हुआ तो उसके बाद से हमारी हालत तो वैसे ही बहुत नाजुक थी, लेकिन हमको अब अपनी जान बचानी है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना बड़ा जंगल और ऊपर से अंधेरा, ये जंगल दिन में हमें जितना प्यारा लग रहा था वो अब इस अंधेरी रात में हमें एक मौत का जंगल नज़र आ रहा है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ना ही हमारे फ़ोन में नेटवर्क था और ना ही कोई हमारी मदद करने के लिए जंगल में आ सकता था। ड्राइवर तो बाहर है या नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता है। तभी एक बार फिर से मैंने और मेरे साथियों ने सुना कि कोई फिर से चीख रहा है। अभी थोड़ी देर तक चीखने चिल्लाने की आवाज़ बंद हो चुकी थी, लेकिन अब फिर से आवाज़ गूंजने लगी थी। हमारे आसपास ऐसा लग रहा था कि कोई फिर से दर्द से तड़प रहा है। अब मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन निकल गई हो, क्योंकि अभी तक विवेक की आवाज़ आ रही थी, पर अब हम चारों ने सुना हो आवाज़ दिनेश की थी, और दिनेश जैसे आने वाली आवाज़ भी बार बार यही कह रही थी, अरे मुझे लेकर चलो भाई लोग, मुझे पीछे क्यों छोड़ रहे हो? और ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रहा हो और तड़प रहा था, पर दिनेश भी हमारे साथ ही था, ये आखिर कैसे हो सकता है? और हम मन ही मन भगवान से कह रहे थे, भगवान आज हम कहाँ फंस गए? लेकिन अब हम भाग नहीं रहे थे, क्योंकि हम पहले ही भाग भाग कर बहुत थक चुके थे, इसलिए हम बस चल ही रहे थे और लगातार चले जा रहे थे। लेकिन अब वो आवाज़ दिनेश की जैसी लग रही थी, वो अब ऐसा लग रहा था कि जंगल के आगे से भी आ रही है और पीछे से भी। दोस्तों आज मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो उस दिन ऐसा लग रहा था बस आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तभी हमको एक और बड़ा झटका लगा, क्योंकि दिनेश और अनिरुद्ध थोड़ा पीछे चल रहे थे और मैं और विवेक थोड़ा सा आगे थे। तभी मेरे फ़ोन की लाइट सामने किसी चीज़ पर पड़ी। थोड़ा ध्यान से देखा तो सामने अब की बार दिनेश का कटा हुआ सर रखा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कटा हो, क्योंकि खून साफ साफ बहता हुआ दिख रहा था। अब हमारी हालत ऐसी थी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएँ। पीछे लौट नहीं सकते थे, क्योंकि आगे से ही रास्ता हो सकता है बाहर निकलने का। लेकिन हम चारों ने इतनी देर से इतना सब देख लिया था, इसलिए हम रुके तो नहीं, और हम सब भगवान का शुक्र मना रहे थे कि हम चारों अभी ठीक हैं और चारों साथ में ही हैं। लेकिन इस बार भी जब से हमने दिनेश के जैसा कटा हुआ सर देखा, उसके बाद से चीखने चिल्लाने की आवाज़ बंद हो चुकी थी। हम चारों बस किसी तरह से निकलने की कोशिश में थे, और घड़ी में समय अब 12 बज चुका था। तभी मुझे और विवेक को ऐसा लगा कि किसी ने एकदम से हमें धक्का देकर साइड कर दिया हो, और अनिरुद्ध और दिनेश को भी ऐसा ही लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को घसीटता हुआ हमारे बगल से लेकर जा रहा है, पर जो घसीट रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने उस पर लाइट मारी तो जो घसीट कर ले जा रहा था उसका चेहरा तो नहीं दिखाई दिया मुझे, लेकिन जिसको घसीट कर ले जा रहा था उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल अनिरुद्ध जैसा था। यकीन मानो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, पर मेरी रूह अभी भी कांप रही है इस बात को बताते हुए। ये मेरे लिए एक सदमे से कम नहीं था। उस समय हम चारों यही सोच रहे थे कि भगवान कोई गहरा सपना हो और हम बस नींद से जाग जाएं। अब ऐसा लग रहा था जैसे अनिरुद्ध तड़पता हुआ कह रहा हो, बचाओ मुझे विनोद, विवेक मुझे बचाओ। वो हम तीनों का नाम बार बार ले रहा था, लेकिन अनिरुद्ध तो हमारे साथ ही था। अब ये स्थिति बहुत नाजुक मोड़ पर थी,
क्योंकि हम चारों ने एक के बाद एक ऐसी घटनाएं देखी। पहले विवेक के तड़पने की आवाज़, फिर उसका कटा हुआ सर, और उसके बाद दिनेश का कटा हुआ सर हमें रास्ते में मिला, और अब अनिरुद्ध जैसा ही कोई घसीटते हुए ले जा रहा था। ऐसा दृश्य देखकर हम चारों को पता चल चुका था कि इस जंगल में जो कुछ भी हो रहा है वो ना तो कोई छलावा है, और अब हम बस यही सोच रहे थे कि पता नहीं हम बचकर यहाँ से जा पाएंगे या नहीं। लेकिन वहाँ हम रुके नहीं, हमने कहा मरेंगे या फिर निकलेंगे यहाँ से। तभी ऐसा लगा कि जंगल में एक तूफान सा उठा। अक्सर जंगल में पेड़ पौधों की आवाज़ आती रहती है, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि तूफान बिल्कुल हमारे तरफ से होकर गुजर रहा हो, और उस समय तूफान की आवाज़ बहुत तेज़ लग रही थी। अंधेरी रात थी, हमने अपने अपने हाथों में फ्लैशलाइट ले रखी थी। तभी वहाँ का माहौल पूरा धूल धूल हो चुका था, और तभी ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दे दिया हो और मैं नीचे की तरफ खाई में गिरता जा रहा था। मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था कि मैं नीचे की तरफ गिर रहा हूँ और चीख रहा हूँ, पर एकदम से सब बंद हो गया। मैं शायद उस दिन खाई में गिरकर बेहोश हो गया था, क्योंकि मैं खाई में नीचे बहुत ज़्यादा जा चुका था। तभी ऐसा लगा मुझे किसी ने नींद से जगाया हो और बार बार ये कह रहा था कि विनोद उठो। मेरी आंखें खुली तो मैं एक चट्टान के नीचे दबा हुआ था और मेरे पास विवेक खड़ा था। तभी विवेक ने मुझे बताया, विनोद तुम ऊपर से नीचे गिर गए थे। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, वो दोनों कहाँ हैं? विवेक ने मुझे बताते हुए कहा कि अनिरुद्ध और दिनेश टैक्सी में बैठे हैं, रास्ता हमको मिल गया है, हम रास्ते के करीब ही थे कि तुम नीचे गिर गए। मैं भगवान से शुक्र मना रहा था कि चलो कम से कम हमें रास्ता तो मिल गया और हम जंगल से बाहर निकल जाएंगे। तभी विवेक ने मुझे थोड़ा संभाला और अपने साथ बाहर ले जाने लगा। विवेक थोड़ा आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे था। जो जंगल हम रात में भटक रहे थे, अब उस जंगल से हम बाहर निकल आए थे। सामने टैक्सी खड़ी थी। विवेक ने बताया कि अनिरुद्ध और दिनेश ड्राइवर के साथ अंदर हैं, और मैं तुरंत भागता हुआ टैक्सी के पास गया और शीशे में हाथ मारने लगा। ड्राइवर ने खिड़की खोली। ड्राइवर अंदर ही सो रहा था और नींद में ही बोला, भैया ऐसा मत करा करो, कल दोपहर 12 बजे से आ रखे हैं और अब रात के 2 बज गए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जंगल के अंदर ज़्यादा मत जाना। इतने अंदर क्यों गए थे? मैं अभी तक घर नहीं गया हूँ, बताओ, अभी तक आप लोग के चक्कर में यहीं पड़ा हूँ। बिना रुके ही ड्राइवर अपनी बात बोल रहा था, और तभी उसने मुझसे कहा, बाकी 3 लोग कहाँ हैं? अब मैं नहीं रुकूँगा। मैंने कहा, 2 जने अंदर हैं और विवेक मेरे पीछे खड़ा है। ड्राइवर ने मुझे हैरानी भरी नज़रों से देखते हुए कहा, पागल मत बनाओ, एक तो तुम्हारे चक्कर में पूरी रात में गाड़ी में बैठा हूँ और वो 3 कहाँ हैं? ड्राइवर की बात सुनकर मैंने गाड़ी के अंदर देखा तो गाड़ी में कोई नहीं था। मैं फिर तुरंत पीछे देखा तो विवेक भी मेरे पीछे नहीं था। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी तो मेरे साथ आया था, तुमने देखा क्या? जो मेरे पीछे खड़ा था वो कहाँ गया? और वो 2 लोग जो गाड़ी में बैठे थे वो कहाँ गए? ड्राइवर ने मेरी बात सुनकर कहा, भाई रात में तुमने ज़्यादा तो नहीं पी ली? लेकिन ड्राइवर का जवाब सुनकर अब मैं घबरा गया था, क्योंकि ना ही विवेक था मेरे पीछे और ना ही अनिरुद्ध और दिनेश गाड़ी में थे। उसके बाद मैंने ड्राइवर को अपनी सारी बात बताना शुरू की। मेरी सारी बात सुनकर उसने कहा, भैया मैंने पहले ही कहा था आपको, ये जंगल ज़्यादा ठीक नहीं है, बाहर ही फ़ोटो वगैरह खींच लो, जो करना है वो कर लो, लेकिन ज़्यादा अंदर मत जाना। पर आप लोगों ने मेरी बात कहाँ सुनी, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। मैंने ड्राइवर को कहा, नहीं मेरे 3 दोस्त यहाँ हैं, मैं उन्हें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। मेरी बात सुनकर ड्राइवर ने मुझे समझाते हुए कहा, अगर अब हम दोनों यहाँ रुकेंगे तो शायद हम दोनों भी जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसलिए चलो। ड्राइवर ने उसके बाद मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया, और उसने कहा अब नहीं रुकेंगे। उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी ले जाकर मुझे होटल पर छोड़ा। लेकिन मैं उस समय क्या करता, मेरे 3 साथी मेरे साथ नहीं थे। मैंने सुबह सबसे पहले जाकर पास के पुलिस स्टेशन पर सारी खबर दी और उनको सब कुछ बताया। मेरे सर पर पहले से ही चोट लगी थी और मेरी स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे पुलिस वालों ने पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। और बाद में पता चला कि उस जंगल में कई दिनों की तलाश के बाद 3 लाश मिली। 2 के तो सर कटे थे और 1 की 3 टुकड़ों में लाश मिली। उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे उनको देखने के लिए बुलाया। उनको देखकर अब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि विवेक और दिनेश की सर कटी हुई लाश थी और अनिरुद्ध की लाश तो 3 टुकड़ों में पड़ी हुई थी। आज मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन शायद मैं उसी दिन मर गया होता।
अब मुझे समझ में आया, हम रात भर भटकते रहे थे और फिर अचानक से कैसे जंगल से बाहर निकल पाए। मेरे उन दोस्तों ने मरने के बाद भी मुझे बचाकर बाहर निकाल दिया। अब उस दिन के बाद मैं बहुत ज़्यादा सदमे में रहता हूँ। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में अभी भी मेरा इलाज चल रहा है मानसिक बीमार के तौर पर। आज मैं आपको ये अपनी बात बता रहा हूँ तो मेरे सामने उस दिन का सारा दृश्य नज़र आ रहा है और शायद मैं इस घटना को पूरी ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊँगा और पता नहीं मैं इस सदमे से कब बाहर निकलूँगा। मैं निकलूँगा भी या नहीं, मुझे पता नहीं। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। ये कहानी बहुत ही दर्दनाक थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।